धोखा चुंबक के साले चकमा देते हैं, कहते हैं कि विपरीत आकर्षण करता है। मुझे ही देखो सालो, तुम दुखियारे ही गिरते रहते हो। चलो बे, हवा आने दो, मुझको सुख, मुझे सुख का मुख देखना है। चुंबक साले चकमा देते हैं, कहते हैं कि विपरीत आकर्षण करता है। अरे साले, मुंह जोड़ के आपस में झगड़ते रहते हैं। चलो बे, हवा आने दो। हरेक बुधवार सांझ 6 बजेदेखि मात्र ब्राभो क्याफे एन्ड बारमा। अब हिन्दी प्र्याक्टिस गर्नलाई नि यही त हो। कतिजना साथीहरू चाहिँ के भनिरहन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ, कहिलेकाहीँ हामी कविहरू आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु हामी नै हो, हाम्रो युनिभर्सको सेन्टर हामी नै हो। तर त्यसरी चाहिँ नसोच्न हेर, त मात्रै होइन, यहाँ दुनियाँमा छन् 7 बिलियन अरू मान्छे छन्, तैँ जस्तो छन्, लेख्दैनन् होला, बोल्दैनन् होला, तैँ जस्तो छन् भन्ने कुराहरू छन्। यो चाहिँ त्यसको जवाफमा लेखेको, ब्रह्माण्डका केन्द्रबिन्दु। पूर्वको देखामे सूरज बोला, मिलके अच्छा लगा और मुस्कुराया। उत्तर को देखा में हिमालय बोला, मुस्कुराते रहो, बहुत अच्छे दिखते हो। ऊपर देखा तो सूरज चांद और सितारे सारे कहने लगे, कुछ और देर ही सही, साथ रहो हमारे। नीचे देखा तो चींटी पत्ते और मिट्टी धीरे से बोले, तुम आए तो लगा जीवन धन्य हो गए। दक्षिण तरफ मुड़ा, नदियां कहने लगी, फिर मिलेंगे दोस्त, इंतजार करना हमारा। पश्चिम तरफ मुड़ा, सूरज उदास था, वादा करने लगा, कल फिर होगी मुलाकात, मेरे राह देखना। और तुम कहते हो कि मैं कुछ भी नहीं, कि ये सारा ब्रह्मांड नहीं घूमता मेरे इर्द गिर्द। कैसे समझाऊ तुम्हें, ओ मेरे दोस्त, हेलो मेरे आंखें और देखो मेरे नजरिए से। कैसे समझाऊ तुम्हें ओ मेरे दोस्त, ए लो मेरे आंखें और देखो मेरे नजरिए से, कौन है सृष्टि का केंद्रबिंदु। जिस प्रेम चाहिँ जहिले पनि लव कविता सुनाउँदाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ एकदम धेरै कमन आइरहन्छ। बच्चाहरूमा चाहिँ आमा हुन्छ, होइन, अलिकति ठुलो हुने बित्तिकै प्रेम अनि बिछोड। यो चाहिँ बिचको कविता हो, प्रेममा जुका। जहाँ कसैलाई पनि पुग्ने अनुमति हुँदैन, शरीरका तिनै काँपभित्र छिर्छ सुटुक्कै र बनाउँछ बास। आफ्नो आँत नभरिन्जेल लिन्छ, मात्र लिन्छ ऊ, थोरै प्रवृत्तिको नाममा, ज्यादा प्रेमको नाममा, दिनुको नाममा त केही पलको साथमा मात्र भुलाउने हो कति। छुटिनु अघि फेला परे, नाच्छ करुण नाच, छटपटीले भरिएको एक बेचैन नाच। आफ्नै स्वार्थ पूर्ति गरी सुटुक्कै बिलाउँछ ऊ र विलिन हुन्छ अघाएको सम्झनाका साँघुरो गल्लीहरूमा। यति निठुरी प्रेमी आउँदा त पत्तो दिँदैन, जाँदासम्म थाहा दिँदैन कि गएको छ। हरेक बुधबार सांझ 6 बजेदेखि मात्र ब्राभो क्याफे एन्ड बारमा।